हेलो दोस्तों, मैं हूमन प्राइम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो स्टार्टिंग में आपने यह वीडियो देखी जिसमें हाथों में मॉडल को छुपा लिया जाता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल इस तरह की वीडियो बनाना, आपको बहुत ही सिंपल स्टेप के द्वारा बताऊंगा कि इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी इस तरह की वीडियो आसानी से बना लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करने है, ऐसी एक्टिंग चाहे तो अलग भी कर सकते, बॉटल लेनी है, फिर बॉटल को ओरिजिनल शो करने मार के, फिर बॉटल को हाथों में रखने, फिर बॉटल हाथ में दबे ऐसी एक्टिंग करने, देन बॉटल को साइड रख देना, फिर हाथ को उसी पोजिशन में नीचे कर लेंगे, फिर हाथों को ऊपर करने जैसे बॉटल वापस आके, फिर बॉटल को लेनी तुरंत, फिर वही एंगल में आपको फिर बॉटल को रख लेना है। कुछ इस तरह का आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है। देन काइन मास्टर ओपन करना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद ये प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर मिडिल में जो ऑप्शन है 9:16 उस पर क्लिक कर लेंगे। देन मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किए उसको हम पेस्ट कर लेने के ले लेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको जो बेकार के पार्ट है, जो फालतू के पार्ट है, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कैमरा ऑन किया तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। आपके में भी होगा रिकॉर्ड टाइम तो आपको भी डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद जैसे हम बॉटल को लेते हैं, ये नहीं, पहले आपको यहाँ थोड़ा जूम कर लीजिए, सॉरी ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। चल यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इससे क्या होगा वीडियो को एडिट करने में थोड़ा और इजीली हो जाएगी। आपको भी कर लेना इस तरह से जूम। उसके बाद आपको फाइंड करना है जहाँ पर हम बॉटल को हिट करते हुए दिखा रहे थे, जैसे कि ये हिट मतलब दबा रहे थे बॉटल को, उस टाइप का है, उसको आपको फाइंड करना है। हाँ, फिर जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपको थोड़ा मोशन दिखे, यानी कि मोशन इफेक्ट जहाँ पास धुंधला दिखती है वीडियो, वहाँ पास आपको देखना है। जैसे यहाँ पर थोड़ा पीछे हो गया, सॉरी आगे, ये है तो जैसे देख सकते हैं आप, थोड़ा यहाँ पास ब्लर, थोड़ा मोशन इफेक्ट है, मोशन है यहाँ पास। यहाँ पर आपको एक कट लगाना है, थोड़ा पीछे कर लेते हैं, यहाँ पर आपको एक कट लगाना है। इस पर हम वीडियो पर क्लिक करेंगे, पहले आपको अच्छे से यहाँ पर फाइंड कर लेना है बिल्कुल परफेक्टली, फिर यहाँ पर सीजर में क्लिक करें, फिर थर्ड वाला जो ऑप्शन है स्प्लिट एट प्लेहेड उस पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम आगे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर से कट लग चुका है। फिर हम आगे जाएंगे, बॉटल को जैसे हम वापस वहाँ रखते हैं, जैसे कि यहाँ बॉटल को हमने हटाया और हाथों को हमने फिर वहाँ पर जैसे रिटर्न लाए और नीचे करते हुए दिखाएँ हाथों को, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर आना है और वही आपको फिर से वही मोशन जहाँ पास है, थोड़ा जैसे यहाँ पर थोड़ा मोशन है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, देख सकते हैं आपस मोशन दिख रहा है। यहीं पर फिर से आपको कट लगाना है, जैसे यहाँ मिल चुका है, फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर ये जो पार्ट है ये पीछे वाली, इसको हमको डिलीट करना है। यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम डिलीट कर लेंगे। फिर आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में बॉटल जैसे हाथों में दबके वैसे इफेक्ट आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉटल हमने ली, ये देख सकते हैं बॉटल गायब हो जाता है। फिर हमने जैसे ही बॉटल को वापस आए वाले एक्टिंग किए, वापस रिटर्न आ जाते हैं बॉटल, यहाँ पर जैसे हमने एक्टिंग किया बॉटल वापस लाने के लिए, तो फिर से आपको वही मोशन इफेक्ट को, यानी जो मोशन है वहाँ पर आपको फिर से अच्छे से फाइंड करना है परफेक्टली। ये देख सकते हैं यहाँ पर मिल चुका है हमें, देख सकते हैं यहाँ पर हैंड थोड़ा ऊपर रहना चाहिए बॉटल के जहाँ हाइट वहाँ तक। फिर आपको वहीं यहाँ पर सीजर से कट लगा लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर कट लगाने के बाद जैसे हमने बॉटल को रिटर्न हाथ में पकड़े हैं उसको आपको फाइंड करना है फिर से। ये जैसे कि आगे में थोड़ा ही, जैसे हमने बॉटल को हाथ में रखा है और शो किया कि बॉटल रिटर्न आ जाता है, वैसे ही यहाँ पर जैसे हमने एक्टिंग किए, यहाँ पर फिर से आपको अच्छे परफेक्टली से ढूंढ लेना है, अच्छे से फाइंड करना है, फिर आपको यहाँ पर कट लगा लेना है। थर्ड वाले ऑप्शन में स्प्लिट एट प्लेहेड में आपको फिर से कट लगाना है, यहाँ पर जैसे ही अपने बॉर्डर को हाथ पर लिया है, फिर वही जो पीछे का पार्ट है इसको हम डिलीट कर लेंगे, ये वाली पार्ट जो है। तो आपकी वीडियो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल रेडी हो गई वीडियो, ये बॉटल गायब हो जाएगा, ये देख सकते हैं, फिर बॉटल रिटर्न है, ये देख सकते हैं आपकी वीडियो बन गई है। अब बाकी है सिर्फ तो आपको इसमें म्यूज़िक ऐड करना। म्यूज़िक का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी और म्यूज़िक को डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही म्यूज़िक को डाउनलोड कर लिया, यानी वीडियो को, और यहाँ पर थोड़ा अपलोड होगा, फिर उसके बाद वीडियो पर क्लिक करना है और इसके ऑडियो को हमको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया है,
ये इस पर हमको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऑडियो को, यानी कि ये हमारा म्यूज़िक है। अगर आप चाहें तो दूसरी म्यूज़िक को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है जो आप म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं उसमें जो म्यूज़िक का इफेक्ट है, जो उसमें साउंड है, वो आपके वीडियो में थोड़ा मैच होना चाहिए, तभी आपकी वीडियो थोड़ा रियल लगती है और देखने भी अच्छी लगती है। इसलिए आपको अच्छी म्यूज़िक को ही चूज़ करना है और इसमें ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है। देख सकते हैं म्यूज़िक परफेक्टली है मेरे वीडियो के हिसाब से। थोड़ी बहुत बस अलग है, तो यहाँ पास मैं थोड़ा स्लो मोशन इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ वीडियो को और भी अच्छा देखने के लिए। आपने मेरी वीडियो को देखी होगी तो उसमें देखे होंगे आप भी लास्ट टाइम स्लो मोशन इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, वीडियो और भी अच्छे दिखते हैं। म्यूज़िक ऐड करने के बाद आपको अपनी वीडियो की जो ऑडियो है उसको ऑफ करना है। सबसे पहले वीडियो में क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर, फिर इस तरह आपको वीडियो के ऑडियो है उसको ऑफ करना है। हर एक पार्ट का जो वीडियो है उसके जाके इसी तरह से आपको ऑफ कर देना है, ताकि वीडियो की साउंड ना आए, आपने जो म्यूज़िक ऐड किया उसकी साउंड आए। फिर आपको वीडियो को इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेना है। फिर आप टिकटॉक पर और कुछ फिल्टर इफेक्ट देकर वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो अभी इस तरह से पोर्टल छुपाने वाली वीडियो बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।